प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इसे सुनने के बाद मानव को कभी आलस्य नहीं आएगा। अक्सर इंसान अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन फिर भी वह उन इंसान से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उस इंसान की किस्मत अच्छी होती है, या फिर ईश्वर ने उस इंसान का अलग से भाग्य लिखा है? हे देवी, इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है, जरा सोचिए। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, आप ही बताएं, मुझे क्या मालूम। तब भगवान शिव कहते हैं, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए, उस काम को करने के लिए जोश और हिम्मत चाहिए। अगर इंसान के अंदर जोश और हिम्मत की जगह पर आलस्य है, तो आप में कितना भी हुनर हो, वह हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे एक पेड़ को अंदर से खोखला दीमक कर देता है, बाहर से तो पेड़ वैसा का वैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वह पेड़ खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उस इंसान का जोश, उस इंसान का फूर्ति अंदर से खोखला बन चुकी होती है। चाहे बाहर से मानव फुर्तीला नजर आए, लेकिन अंदर से आलस्य ने उस इंसान को दीमक की तरह शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको आलस्य के मुख्य कारण पता चलेंगे और साथ ही मानव को आलस्य हटाने के लिए कुछ उपयोगिक उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, एक बात याद रखें, इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़े, वरना मानव के जीवन में आने वाली परेशानियों को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी शुरू करते। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति सन्यासी के पास आकर कहता है, हे महात्मा, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूं। मैं बहुत ही आलसी इंसान हूं, इसीलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके? यह सुनकर सन्यासी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी इंसान हो? इस बात का उत्तर देते हुए व्यक्ति बोला, हे महात्मा, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू बहुत आलसी व्यक्ति है, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है और न जाने तुम क्या क्या कहते रहते हो, यहां तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर सन्यासी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी हो? यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालता रहता हूं। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए यह प्रमाण काफी होगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर फिर सन्यासी कहते हैं कि ये दो बातों से तुम कैसे कह सकते हो कि तुम आलसी हो? फिर सन्यासी कहते हैं, आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वह किसी इंसान के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई इंसान किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा है, उसे उस काम के प्रति उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलस्य इंसान के शरीर में दो प्रकार से जन्म लेता है, शारीरिक और मानसिक। यह कहते हुए सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक आलस्य को समझते हैं। कुछ देर बाद सन्यासी ने अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन शिष्यों का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। इन शिष्यों के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है, और जब बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है, और उनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वहीं पर जब एक आलसी इंसान चलता है तो वह एकदम झुका हुआ रहता है, थका थका और बिना उत्साह के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य से हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम चीज को समझ लेते हैं, चलने, उठने और बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक आलस्य दूसरा कारण होता है, सही नींद न लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। एक मानव को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वह सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वह आलस्य का शिकार होगा, और अगर वह सीमित समय से कम नींद लेता है तो वह आलस्य का शिकार होता ही है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, एक मानव को कितनी देर नींद लेनी चाहिए?
इसका उत्तर देते हुए सन्यासी कहते हैं कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर मानव का शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, अगर ज्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद। इसी के साथ यह भी ख्याल रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उस इंसान को घेरने लगता है। शारीरिक आलस्य का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी ना उठ पाना। यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सुबह सूर्योदय होने से पहले जाग जाते हैं। यह हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में फुर्ती होती है, एक ताजगी होती है और हम हर काम में अपना मन लगा पाते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, लेकिन मेरा काम ऐसा है जो मैं रात में कर पाता हूँ, इसी वजह से मैं रात में सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वह सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? यह सुनकर सन्यासी कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू कर देते हैं, जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है जिससे आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। इसीलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा ना बन सके। इसके लिए वो अपने कानों में रुई वगैरह का उपयोग कर सकता है जिससे बाहर की आवाज उसके कानों में न पड़े और वह गहरी निद्रा में सो पाए। शारीरिक आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है सही समय पर भोजन करना, और सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं उस भोजन में कोई पौष्टिक आहार नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस भोजन में पौष्टिक नहीं हो उस भोजन में ऊर्जा नहीं होती है, वह भोजन आपके शरीर को ऊर्जा नहीं दे सकती है। अगर इंसान ऐसा भोजन करे